ਸਾਡੀ ਜੋਰੀ ਰਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹੈ ਰਾਹਵੇ ਓਏ ਤੇਰੀ ਓਏ ਓਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਮ ਫਜ਼ਲ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਜ ਕਾ ਵਲੌਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਈ ਜ਼ੁਹੇਬ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਜੋਰੀ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਹਮ ਲੋਗ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੋਰੀ ਰਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹੈ क्या बात है भाई, ये पता नहीं कहाँ से डायलॉग ना सीख लेता है, कहाँ से सीखे ज़ुहेब डायलॉग? बेटा हीरो मारता है विलन नहीं। अच्छा है? मैं विलन हूँ। हाँ, इसका 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 कहने का मतलब ये हुआ कि मैं विलन हूँ और ज़ुहेब हीरो है। कहाँ से ज़ुहेब हीरो लगते हो यार आप? यार हीरो मैं हीरो नंबर वन। सही, तो असल में ना है कुछ ये कि ज़ुहेब भी फारिग मैं भी फारिग, दोनों फारिग फारिग। हेलो यार, मैं फारिग नहीं, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। मैं 24 घंटे कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, चाहे वो मैं मिट्टी यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ नीचे बैठ के ना करता रहूँ, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। यानी कि कुछ ना कुछ करते रहते हो। फारिग नहीं मैं बैठता, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है यार जो फारिग होते हैं। यार क्यों फारिग, कुछ करो जिंदगी में यार, कुछ करो। कुछ कर ही रहे हैं आपके साथ, देखो घूम फिर रहे हैं। तो असल में ना घर में मैं बैठा हुआ था, रेस्ट वेस्ट किए, तो ज़ुहेब आया मेरे पास, मुझे कहता है कि यार आओ चलें जानवरों के लिए चारा लेने। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जानवर ज़ुहेब ने लिए हुए या मैंने लिए हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। इससे तो अच्छा मैं भी कोई 2000 जानवर बांध दूँ ना अपने डेरे पे हवेली में, तो मुझे भी यकीन मानो फ़ायदा हो जाया करे। मेरी थुल्ली पे बांध दो तो क्या बात है, चारा ले लेना तो वहाँ से। आप ज़ुहेब मुझे ऑफ़र दे रहा है, वो मैं आपको ना आगे चल के सही बताता हूँ। अभी ना रास्ता ज़रा थोड़ा ख़राब है। ओए तेरी ओए, मैं गिर गया था यकीन माने। अरे हाय कसे ज़ुहेब की ना सही तरह ऑफर सुनते। ज़ुहेब क्या ऑफर दे रहे हो कि जानवरों का क्या करूँ मैं? यार मैं कह रहा हूँ कि जानवर आप ले आओ, अच्छा मेरे डेरे पे बांध दो और चारा आप जो उनसे। इसे मैंने ऑफर बताई क्या दिए, ये मुझे दे रहा है, मैं ऐसे ऑफर दे रहा था। मैं बोला जानवर मैं आपकी हवेली में बांध देता हूँ, बांध दूँ यार, उसके बाद चारा आप डाल दे। यार मेरे भाई नहीं हो आप, दोस्त नहीं हो मेरे। सुनो यार, जानवर आप ले आओ तो उसका जो सा चारा उसको डलेगा ना है, जितने 50-50 कर लेंगे, जितने का भी डलेगा वो पैसे आपके। जब हम बेचेंगे तो जानवर के पैसे निकाल के उसके ऊपर जो सा खर्चा है वो भी निकाल के वो भी सारा आपका, बाकी जो सा प्रॉफिट होगा वो हम 50-50 कर लेंगे। यार ये तो आप तो बिजनेसमैन वाली बात कर रहे हो। 50-50 नहीं करना तो यार आप समझ लो 10% मेरा, 20% आपका। आप तो बिजनेस वाली बातें कर रहे हो, आप तो मेरे भाई हो। मुझे भी तो कुछ आपको फायदा। क्यों फायदा हो यार आपका, आपकी हवेली आप मुझे फायदा दो बल्कि अपने डेरे का। वो कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे ही करना है तो आप ला के बांध दो, तो बस जैसे ही पल जाएंगे तो फिर बेच देना। अभी ना वहाँ से जो मैं पीछे गिरा हूँ ना इस साइड पे, यहाँ पर बन्ने के ऊपर असल में ना घास काफ़ी ज़्यादा है, तो रास्ते का ना पता नहीं लगता बन्ना कहाँ पर है कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो पैर रखा तो गिर गया, तो वहाँ पर गिरा ये तकरीबन कोई 1.5-2 फुट ना, यानी कि नीचे। अब ये हिसाब लगा लें कि गंदम जो है कितनी नीचे लग रही है, तो इधर गिरा उसकी वजह से ना मेरी, ये चेक करें यार यहाँ से चप्पल टूट गई है। और ज़ुहेब हमारे बाजवा साहब लगातार लगे में, ओए जज्बाती नहीं होना भैया, आराम आराम से काटो। अरे राम राम से काटो, वीडियो के चक्कर में यही ना अपनी उंगली कटवा दो। नहीं नहीं यार उंगली नहीं आनी, वीडियो फिर बन जाएगी। वैसे हम लोग इस साइड से आते हैं, ये आप देख रहे होंगे बनहल छोटा छोटा आपको ना दिख रहा होगा, तो उस साइड से यानी कि ये दरख्तों के पास से रास्ता है यहाँ से आके। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया होगा, बाकायदा आपने देखा भी होगा कि नहर साफ़ हुई है, तो वहाँ से गए हम लोग। बाकी यहाँ से आके बन्नों के ऊपर से यानी कि चलना काफ़ी मुश्किल होता है, पर यहाँ से आके इस खेत में आते हैं। तो आज हम लोग इस साइड से आए, यानी कि ये जो नहर है नहर के आगे रास्ता है, रास्ते से वो सीधा होके उस गाँव में गए, इस गाँव से बार होके ये सामने ना आगे करके ये जो छोटा सा कमरा दिख रहा है, इस कमरे के पास यहाँ पर ग्राउंड है यारी, तो इधर वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं बच्चे। तो यहाँ से होकर वहाँ पर अपनी बाइक हमने खड़ी की इधर, और इधर से हम पैदल आए, यानी कि बहुत ही यानी कि शॉर्टकट मारा है। इससे ये होगा कि आराम से हम लोग चारा लेके जाएंगे, क्यों से टेंशन तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं यार टेंशन कोई नहीं। बाकी ये बच्चे ना वॉलीबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर, ये सामने ये भी यार आपने काट लिया, ये जोहेब ने तकरीबन ना मेरा ख्याल है एक ढेरी लगा ही दी है। यार
यार, अभी जितना काटा ना इतना और कटना है। सुबह भी लेके गए हो नहीं? हाँ यार, ये चेक करें यार किस तरह मैं बैठा हुआ। पीछे हमारे ना चारा है, ज़हीब बैठा हुआ पीछे और मैं चलाने लगा बाइक, टैंकी पे बिठाया हुआ मुझे। पहले यहाँ पर लगाने के इरादा बन रहा था कि भिंडी लगानी है और पालक धनिया लगाना है, तो अब कल का ना पापा लेके आ गए यहाँ पर मिर्ची। तो ये मिर्ची के अब चेक करें, छोटे छोटे ना प्लांट लेके आए थे, पौधे लेके आए थे, तो ये कल के यहाँ पर लगा लिए, काफ़ी यानी कि गैप में ना लगाए। ये छोटी छोटी बन्नी बनाई है और इस बन्नी के ऊपर लगाए सिलबस पहुँचे, तो वो लास्ट में करके आई थी कि तीन लगी हुए हैं ना, ये दो दो लगाए हैं। तो अभी इरादा बन रहा है कि पालक अगर लाए तो यानी कि यहाँ से लेकर इस साइड पे ये बन्नी के साथ साथ पालक लगाएंगे, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर भी हो सकता है कोई जगह बना के ना, तैयार करके जगह, तो यहाँ पर भी कुछ लगा लें। तो कल लगाया था तो पानी लगा है, पानी के से यहाँ पर खड्डा हो गया है। मैं ज़रा आया हुआ था वैसे बाहर की साइड को, तो यानी कि चक्कर शक्कर लगाने घूमने फिरने के लिए आया था, बाहर को निकला था, ठंडी हवा ले रहा था। तो ज़हीब के अचानक से भी कॉल आई है, मुझे कह रहे कि आओ मेरे पास, अब पता नहीं उसने कौन सी फटीक डालनी है। तो बस वो अभी वहाँ पर अपने जानवरों को पानी शानी डाल रहा है, तो मुझे कह रहा था आओ, तो कह रहे मैंने कुछ प्लानिंग की है, तो मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ, तो अभी चलते हैं उसके बाद प्लानिंग सुनते हैं उसकी। इतनी दूर से ना मैं यहाँ पर आया हूँ इसकी ये बातें सुनने के लिए। ज़हीब क्या कह रहे हैं ज़रा बता। मैं कह रहा हूँ कि शाम को हम टिक्के का प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा हाँ, मुझे यानी कि इतनी दूर से मुझे इसने टिक्कों के लिए बुलाया। मैं बोल रहा हूँ भाई अभी मेरा प्लान नहीं बन रहा, तो कोई कंफर्म नहीं कह सकते, फिर भी जा सकती है हमारी, क्यों भाई? सही बात है, यही ना हो कि अभी थोड़ी देर बाद आगे जाएँ तो हमारा प्लान बन जाए कि भाई हम लोग ने आज प्लान यानी कि टिक्के बनाने ही बनाने हैं, तो कोई कंफर्म नहीं कह सकता। तो जो भी होगा मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी भी ज़हीब पता नहीं टिकटॉक चला रहा है। टिकटॉक तो यार शायद बंद हो गई है, कह रहे हैं बंद हो गई है, कल मैंने भी चलाई है। अच्छा, वो थोड़ी मारी मोटी चलती है। चलो अभी यार मारी मोटी चलती है, यानी कि सिग्नल ज़्यादा है ना तब भी चलती है। तो यासर को मैंने कॉल की थी, यासर कह रहे हैं मैं अभी वहाँ पर ही हूँ, तो चलते हैं यासर के पास, गपशप लगाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और क्या करना है। ज़हीब ने भाई सारे के सारे अपने कट्टे जो है एक साथ ही छोड़ दिए, कहता है कि इनने पता है कि मैंने पानी पीना है, और पानी पीने के लिए वो चले गए। सर ये तो वाकई मारता है यार। इसे खोलो, खोल क्यों नहीं रहे? क्यों डर जाते हैं ये? ज़हीब की लाइफ बहुत ही मुश्किलों में इस टाइम। अभी आपको यार आपको गोया भी इकट्ठा करना पड़ रहा है। ओ घर जाके ना मेरे बनिया यार, मुझे 15,000 का नहीं अब दोगे? वफादार जानवर है भाई, खुद ब खुद आ गया, देखें आप। अच्छा ये आपका नौकर है? मुलाजम रखा हुआ इसने, दो दिन की छुट्टी में आया है मुलाजम। ये ना ये वाला जो बांस है ये मैं लेके आया था दोस्त के पास से, तो काफ़ी लंबा यानी कि ना तकरीबन 25 से आई थिंक 30 फुट नहीं इतना नहीं तकरीबन 20 से 25 फुट होगा। तो मैं इसलिए लेके आया था कि झंडा शंडा मैंने लगाना होता है हर यानी कि ना साल भर में चेंज करता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बड़ा और लंबा झंडा लगाने के लिए बांस ले लाया जाए, तो लेके आया हूँ। तो पहले गीला था, तो गीला
फिर इसके मैंने सुखाने के लिए यानी कि 2-4 महीने ना सूखा है। अब मुझे उम्मीद है वो ठीक हो गया, थोड़ा बहुत टेढ़ा पर गुजारा करेगा, तो इंशाल्लाह झंडा भी चेंज करेंगे। तो बाकी यही था व्लॉग, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दुआ में याद रखिएगा, आपको बहुत सारा प्यार, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।